एक न्यूज 24 देखिए, हम जानते हैं कि जब से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, या फिर यह कहें कि काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से काराकाट की सीट हॉट सीट बनी हुई है। जी, हम आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि पवन सिंह के जीतने के चांसेस कितने हैं और किन किन मुद्दों पर पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, सबसे पहले हम काराकाट पर आते हैं। काराकाट बेसिकली सासाराम के कुछ एक ईस्टर्न और औरंगाबाद के कुछ एक वेस्टर्न पार्ट से मिलकर बना गया है। संख्याओं की बात करें तो काराकाट में 3.5 लाख तक यादवों की संख्या है, कुर्मी की संख्या और कोयरी की संख्या भी 2 लाख के करीब है। वहीं पर लाखों में राजपूतों की भी संख्या है, 80,000 के करीब ब्राह्मण है और भूमिहार 50,000 के करीब है। उसके नीचे भी लेफ्ट अदर कास्ट भी आते होंगे। जी हाँ, हम बात करते हैं अब वहां की अभी के राज में वहां पर कौन सी सरकार है। तो वहां पर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की। इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से बने हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा से काराकाट की जनता खुश नहीं है। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर काराकाट की ही जनता उपेंद्र कुशवाहा को यह कहते नजर आ रही थी कि हम आपको वोट नहीं देंगे। बहुत ही सम्मानजनक तरीके से काराकाट की जनता ने उपेंद्र कुशवाहा को कहा था कि हम आपको वोट नहीं देंगे। उस विषय पर अगर बात करें तो पवन सिंह को यह प्रॉफिट हो सकता है, इस विषय से लाभ मिल सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा से काराकाट की जनता खुश नहीं है। दूसरी बात अगर लेकर चले तो उपेंद्र कुशवाहा से काराकाट की जनता तो खुश है नहीं, लेकिन पवन सिंह को कहां कहां लाभ मिल सकता है। काराकाट हम जानते हैं बेसिकली भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है, और आरा की बात करें तो आरा से जुड़ा काराकाट है। आरा से पवन सिंह आते हैं और आरा भी एक भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है। तो लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो भाषा से पवन सिंह को यहां पर लाभ मिल सकता है, क्योंकि काराकाट और आरा दोनों भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है। पवन सिंह भोजपुरी स्पीकिंग पर्सन है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वोट को लेकर चले, अगर वहां की पॉपुलेशन जनता को लेकर चले, तो वहां पर 3 लाख से ज्यादा का वोट अकेले जनरल कास्ट उठाते हैं, यानी फॉरवर्ड कास्ट उठाते हैं, जिससे पवन सिंह को फायदा हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं पवन सिंह भी फॉरवर्ड कास्ट से ही बिलोंग करते हैं और फॉरवर्ड कास्ट का वोट ज्यादा है अगर कंपेयर करें लोअर कास्ट से। तो पहली चीज ये आती है। उसके बाद अगर हम बात करें धीरे धीरे करके आगे की, तो पवन सिंह के टक्कर में उपेंद्र कुशवाहा इस समय लग नहीं रहे हैं। कारण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा से वहां की जनता हम बार बार कह रहे हैं कि खुश नहीं है। हो सकता है पवन सिंह को इसका बेनिफिट मिले और पवन सिंह चुनाव जीत जाए, लेकिन यहां पर एक ऐसा नाम है जो पवन सिंह को जीत से रोक सकता है, जो नाम है किरण प्रभाकर का। अगर आप किरण प्रभाकर को नहीं जानते होंगे तो आपको हम बता दें कि किरण प्रभाकर नौकरी देने वाली दीदी के नाम से मशहूर है। काराकाट में किरण प्रभाकर का जन्म भी हुआ था और वहां की जनता किरण प्रभाकर से बहुत ही ज्यादा खुश भी रहती है। जी आपको बता देते हैं, किरण प्रभाकर ने साफ तौर पर कहा है कि अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, काराकाट की बेटी हम हैं और काराकाट से ही चुनाव भी लड़ेंगे, जो पवन सिंह के जीत में एक रोड़ा बनकर सामने आ सकती है। किरण प्रभाकर को हम जानते हैं कि नौकरी देने वाली दीदी के नाम से मशहूर किरण प्रभाकर ने पवन सिंह को लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं, कलाकारी के क्षेत्र से, उन्हें कलाकारी ही करनी चाहिए, उन्हें चुनाव में नहीं आना चाहिए। आपको बताते हैं कि किरण प्रभाकर दरअसल है क्या। जी हम किरण प्रभाकर की बात कर रहे हैं जो बेसिकली काराकाट से ही आती हैं। समाज सेविका किरण प्रभाकर की अगर हम बात करें तो पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। किरण प्रभाकर ने पवन सिंह को हराने के सवाल पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजनीति शुद्ध रूप से समाज सेवा का क्षेत्र है, किसी अन्य पेशा से जुड़े लोग अचानक अगर इसमें आते हैं तो सवाल खड़े होंगे ही। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, अगर उसके जगह पर कोई रसोईया को भेज दिया जाए तो पूरा काम खराब हो जाएगा। नौकरी देने वाली दीदी के नाम से मशहूर किरण प्रभाकर ने साफ तौर पर कहा है कि उनका जन्म काराकाट में हुआ है। किरण प्रभाकर चुनावी सफर में काराकाट से दावा ठोक रही है, ऐसे में अब इस सीट पर लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई है। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि काराकाट की सीट पर लड़ाई बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। वो इसलिए नहीं क्योंकि पवन सिंह के अपोजिशन में उपेंद्र कुशवाहा थे, वो इसलिए क्योंकि पवन सिंह के अपोजिशन में उपेंद्र कुशवाहा जैसा नाम हटता है, क्योंकि वहाँ की जनता उपेंद्र कुशवाहा से खुश नहीं है, तो किरण प्रभाकर जैसा बड़ा नाम सामने उठ के आ जाता है। हो सकता है कि आपने किरण प्रभाकर का नाम नहीं सुना हो, लेकिन आपको बता रहे हैं किरण प्रभाकर काराकाट में ही जन्मी एक बेटी है जिन्होंने नौकरी देने वाली दीदी के नाम से अपना नाम बनाया है। लोग उन्हें नौकरी देने वाली दीदी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आप पर सर्च कर सकते हैं कि किरण प्रभाकर असलियत में है कौन। जी हम आपको बता दें, किरण प्रभाकर एक समाज सेविका है और उनसे वहां की जनता या फिर बिहार की जनता काफी खुश भी रहती है, क्योंकि एज अ सोशल वर्कर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जो जनता के हित में है, और वो एक विषय पवन सिंह को टक्कर देने वाला हो सकता है। अभी तक पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच टक्कर थी, यहां पर पवन सिंह आगे दिख रहे थे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा और किरण प्रभाकर के बीच टक्कर है, जिसमें पवन सिंह थोड़े बहुत मुद्दों से पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह ने
खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला भी काम किया, ये कहें तो हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि पवन सिंह ने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि हमें चुनाव नहीं आता, हमें पॉलिटिक्स नहीं आता। तो जब आपको पॉलिटिक्स नहीं आता है तो आप पॉलिटिक्स में आए क्यों? बहुत सारी बातें उठती है, आसनसोल से टिकट लौटाना, उसके बाद बहुत सारी बातें आती है। अब देखना ये होगा कि कराकाट की सीट आखिर किसके हित में गिरती है, आखिर किसके झोली में गिरती है, पवन सिंह, किरण प्रभाकर या फिर उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे। धन्यवाद।